हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से। थ्री पर्संस अप्लाई फॉर द हाउसेस, ईच अप्लाइज फॉर वन हाउस विदाउट कंसल्टिंग अदर्स। द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द थ्री अप्लाई फॉर द सेम हाउस इज। तो हमें इसका आंसर बताना है। मैंने यहां पर तीन हाउस दे दिए हैं, इसको हाउस वन कहा है, इसको हाउस टू कहा है और इसको हाउस थ्री कहा है। और यहां पर तीन लोग हैं, ठीक है। एक ये बना दिया, एक ये बना दिया और ये। अब क्या करना है, इन लोगों ने ये जो घर है इसके लिए अप्लाई किया। अब एक दूसरे को कंसल्ट किए बिना, तो यहां पर हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने होंगे। टोटल आउटकम्स का मतलब ये तीनों इन घरों को कितने तरीके से एक्वायर कर सकते हैं। मान लो सबसे पहले ए की बारी है, तो ए के पास इस हाउस का भी ऑप्शन है, इस हाउस का भी ऑप्शन है, इस हाउस का भी ऑप्शन है। तो जो ए है, जो पहला आदमी है, वो उसके पास तीन ऑप्शन है। तो वो जो अप्लाई करेगा वो तीन तरीके से अप्लाई करेगा, ठीक हो गया। अब ये बात दूसरे आदमी को पता नहीं है, उसको नहीं पता है कि यहां पर किसी आदमी ने अप्लाई किया है। तो उसके हिसाब से तीनों की तीनों घर खाली है। तो वो भी जो अप्लाई करेगा, या तो इस हाउस के लिए करेगा, इस हाउस के लिए करेगा, इस हाउस के लिए करेगा, तो उसके पास भी तीन ऑप्शन है। अब तीसरा जो आदमी है, उसको भी नहीं पता कि भैया इन दोनों आदमियों ने यहां पर इस इन हाउसेस के लिए अप्लाई किया ही नहीं किया है। तो उसके लिए भी तो ये तीनों घर खाली है। तो जो तीसरा आदमी है वो भी इस हाउस के लिए अप्लाई करेगा, इस हाउस के लिए अप्लाई करेगा, इस हाउस के लिए अप्लाई करेगा, तो उसके पास भी तीन ऑप्शंस हैं। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 27, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम मतलब जिस चीज के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब इन्होंने कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द थ्री अप्लाई फॉर द सेम हाउस। तो तीनों के तीनों सेम हाउस के लिए अप्लाई कर चुके हो, इसकी कंडीशन क्या हो सकती है। तो जरा गौर करो कि जब हमने इस पहले आदमी की बात की थी, कलर चेंज कर देता हूं मैं यहां पर, जब हमने इस पहले आदमी की बात की थी, तो मान लो इस आदमी ने इस हाउस को एक्वायर कर लिया था, अब ये रहने भी लग गया, तो इसके बारे में बाकियों को पता नहीं है। तो मान लो दूसरे वाले ने भी इसी हाउस को अप्लाई कर लिया था और वो भी रहने के लिए आ रहा है, इस तीसरे को भी नहीं पता कि भैया इन दोनों ने अप्लाई कर लिया था, तो इसके पास ये भी, इसने भी इसी घर को अप्लाई कर लिया। तो इस तरीके से ये तीनों एक ही घर के लिए अप्लाई करें, तो इसके लिए एक हमारे पास पॉसिबिलिटी हो गई। इस हाउस को अप्लाई करें, इसके लिए एक पॉसिबिलिटी हो गई। या फिर ये पॉसिबल है कि ये जो आदमी पहला वाला है, ये इसने इस घर के लिए अप्लाई कर लिया और अब ये रहने के लिए आ रहा है, इसने भी इस घर के लिए अप्लाई कर लिया, ये भी रहने के लिए आ रहा है, इसने भी इस घर के लिए अप्लाई कर लिया, ये भी रहने के लिए आ रहा है। तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी, एक होगी। ऐसा ही तीसरे हाउस के लिए भी हुआ, जो पहला आदमी आया ये भी रहने के लिए आ गया, दूसरा आदमी भी रहने के लिए आ गया, तीसरा आदमी भी रहने के लिए आया, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी कितनी होगी, वन होगी। अब अगर इन तीनों को जोड़े तो कितना आ गया, तीन। तो थ्री वेज ऐसे हो गए जब तीनों के तीनों ने सेम घर को चूज किया होगा। तो हमें पता है प्रॉबर्टी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल है थ्री, टोटल है 27, तो हमारे पास ये आ गया 1/9, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को यहां पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। सोल्यूशन अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।